मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूअर एमएस क्लासेस में। आज हम सीक्वेंशियल सीरीज में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम जो डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट अ नॉन एम्प्टी सेट ए विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का एक हमने सेट सबसेट लिया है ए जो कि नॉन एम्प्टी है। ओके, इसको आप कॉम्पैक्ट बोलिएगा। इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। अगर कोई सेट बाउंडेड है और क्लोज्ड है उसको हम बोलते हैं वो सेट कॉम्पैक्ट सेट होता है। ओके, एग्जांपल देंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या ये कॉम्पैक्ट सेट है या नहीं है। द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये प्रूव करने भी आ जाते हैं। ए बी इज कॉम्पैक्ट सेट। ओके, सो यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्लोज इंटरवल ए बी यहाँ कॉम्पैक्ट सेट है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अभी हमने क्या कहा कि जो कॉम्पैक्ट सेट है वो बाउंडेड भी होगा और क्लोज भी होगा। अब आप ये देख रहे हो कि क्लोज सेट है, ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे, इसका जो अपर बाउंड है बी, लोअर बाउंड है ए। हियर सेट ए इज बाउंडेड एज क्यू, क्योंकि जो एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ए हमने क्या सेट लिया है? क्लोज इंटरवल ए बी। एक्स की जो वैल्यू है यानी इसके अंदर जो ए के जो नंबर्स हैं वो ए और बी के बीच में ही लाई करेंगे, इसका मतलब ये हमारे पास बाउंडेड सेट है। अब हम चेक करें क्या ये क्लोज सेट है। वैसे तो मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, जब हमने क्लोज की डेफिनेशन की थी तो हमने प्रूव किया था कि क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। दोबारा देख लेते हैं, हम यहाँ पे इसको क्लोज प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करेंगे। ओके, सो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई? ए बी क्लोज इंटरवल है, सो इसको पूरी रियल लाइन से ये इंटरवल निकाल दीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ए। यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज है। यूनियन बी टू के इंटरवल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। चेक करिए क्या ये ओपन है। दिस इज ओपन इंटरवल एंड हम ये पढ़ चुके हैं कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। ओके, सो ये आ जाएगा, इट इज यूनियन ऑफ टू ओपन सेट। एंड क्योंकि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट ओपन होती है, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। सो ये ओपन हो गया, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है दैट मीन्स ए इज क्लोज सेट। सो ए सेट यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी बाउंडेड भी हमने प्रूव किया और क्लोज भी हमने बता दिया, इसका मतलब ये कैसा सेट है? कॉम्पैक्ट सेट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पे दिया जाए आई, हमें एक सेट दिया गया है दो क्लोज सेट की यूनियन। ओके, थ्री फोर यूनियन फाइव सिक्स, ये दो क्लोज सेट दिए गए हैं और ये हमें बताना है क्या ये कॉम्पैक्ट सेट बनेगा, इज अ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। कॉम्पैक्ट सेट देखिए भी, अभी हम ये प्रूव करते हैं कि क्लोज इंटरवल जो होता है वो हमारे पास जो कॉम्पैक्ट सेट होता है। ओके, बट अभी हमें ये नहीं पता कि दो कॉम्पैक्ट दो कॉम्पैक्ट सेट्स की अगर मैं यूनियन करती हूँ क्या वो भी कॉम्पैक्ट आएगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेपरेटली बताएंगे। सेपरेटली कैसे? आई इज बाउंडेड, बाउंडेड तो है ही, क्यों? क्योंकि दो बाउंडेड सेट की यूनियन है सो ये भी बाउंडेड रहेगा। ओके, एज इट इज यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट। ठीक है, अब हम ये प्रूव कर चुके हैं
सिंस 3 4 एंड क्लोज इंटरवल 5 6 आर क्लोज्ड सेट्स। हम ये बता चुके हैं कि जो क्लोज इंटरवल है वो क्लोज सेट होते हैं। ये हमने प्रूव किया यहाँ पे कि एक ही क्लोज इंटरवल जो है वो क्लोज सेट है। इसी तरीके से यहाँ पे और यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट, यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज आल्सो क्लोज्ड, देयरफॉर आई जो सेट था हमारे पास दिस आई इज बाउंडेड, बाउंडेड भी है एंड क्लोज भी है। इसका मतलब आई इज कॉम्पैक्ट सेट। ओके सो हम आई को यहाँ पे कॉम्पैक्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है आई इज इक्वल टू, अभी हमने यूनियन को बताया कि अगर दो क्लोज सेट की यूनियन लेते हैं वो हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट आता है। अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ दो क्लोज सेट की 3 4 इंटरसेक्शन 4 5, अगर यहाँ पे आप सेट 5 6 लेते हैं यानी यहाँ पे 4 5 ना लेके 5 6 सेट लेती हूँ तो इंटरसेक्शन 5 आएगा यहाँ से। ओके सो हमें ऐसा लेना है जिसमें इंटरसेक्शन में कोई नंबर यहाँ पे मुझे मिले, क्लियर। सो यहाँ पे बताएंगे कि आई हमारे पास क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड तो है क्योंकि जो इस आई के जो नंबर्स है एक्स लाइज बिटवीन 3 2 5 4 4 सो आई इज अ बाउंडेड, आई इज बाउंडेड सेट। ओके और यहाँ पे हमें क्लोज बताना है क्योंकि हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं एज आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ये रिजल्ट हम कर चुके हैं। सो यहाँ से अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी 3 4 या 4 5 की तो यहाँ पे आपको देखिए आई इज इक्वल टू 3 4 इंटरसेक्शन 4 5। अगर आप इसकी इंटरसेक्शन करते हो तो भी हमारे पास एक ही नंबर आएगा सिंगलटन और जो कि बाउंडेड होता है। आप यहाँ से भी बता सकते हो कि ये बाउंडेड रहेगा एज इट इज सिंगलटन सेट। ओके सो ये बाउंडेड ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। अभी हमने कहा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्लोज सेट की क्लोज होती है, देयरफॉर यहां से अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ आई इज आल्सो क्लोज्ड। सो आई हमारे पास क्लोज भी है बाउंडेड भी है। इसका मतलब जो आई सेट है जो कि इंटरसेक्शन है दो क्लोज सेट्स की आई इज अ कॉम्पैक्ट सेट। सो इस तरह से आपको कॉम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल Every finite set is a compact. हर एक finite set जो होगा वो compact होगा, ये आपको prove करना है। Next example. Every finite set is a compact set. कैसे होगा? For example मैं A set ले लेती हूँ, कोई भी finite set हमें लेना है यहाँ से 1 2 3 4। अब जो ए के नंबर्स है क्योंकि फाइनाइट सेट है सो बाउंडेड है 1 और 4 तो जो इसके नंबर्स है। सो यहाँ पे हमारे पास ए इज बाउंडेड क्योंकि हर एक जो फाइनाइट सेट होता है वो बाउंडेड होता है। सो यहाँ पे हमें बताना है कि ए सेट जो है वो क्लोज भी होगा। कॉम्पैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? बाउंडेड एंड क्लोज बताना है हमें। सो एक बार क्लोज कैसे बताइएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? माइनस इनफिनिटी टू 1 यूनियन 1 2 2 ओपन इंटरवल क्योंकि इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 यानी इसके बीच के जो नंबर्स रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे 2 3 यूनियन 3 4 यूनियन 4 इनफिनिटी। ओके और ये हम रिजल्ट कर चुके हैं कि ओपन सेट्स की अगर आप यूनियन लीजिएगा आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो ओपन। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? इज ओपन सेट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब ए इज क्लोज सेट। सो जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्लोज सेट होते हैं। ओके सो हमारे पास जो ए सेट था फाइनाइट सेट
बाउंडेड भी हमने प्रूव किया, क्लोज भी प्रूव किया, इसका मतलब ए इज कॉम्पैक्ट सेट। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है ओपन इंटरवल की बात करते हुए हम, कि ओपन इंटरवल ए बी, अगर मैं ये सेट लेके चलती हूँ, ओपन इंटरवल इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये भी तो बाउंडेड ही है, ए और बी के बीच लाई करते हैं इसके नंबर, एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओके, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्लियर। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि ए इज बाउंडेड, एक कंडीशन प्रूव हो जाती है कॉम्पैक्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये सेट क्लोज सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट मैं लेती हूँ, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आएगा माइनस इन्फिनिटी टू ए, और ए पे आता है क्लोज ब्रैकेट क्योंकि ये मेरे पास ओपन सेट। ओके, यूनियन बी टू इन्फिनिटी। ओके, सो क्या ये जो सेमी क्लोज इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू ए और बी टू इन्फिनिटी, हमें इनको ओपन सेट दिखाना है। एंड वी नो दैट माइनस इन्फिनिटी टू ए यानी कि सेमी क्लोज इंटरवल इज नॉट ओपन सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि ओपन सेट ये होता है कि वो सेट अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। ओके, अगर सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है उसी को हम बोलते हैं ओपन सेट, लेकिन यहाँ पे ये सेट ए का नेबरहुड नहीं है, एज माइनस इन्फिनिटी टू ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। ए का नेबरहुड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं ए के नेबरहुड्स यानी कि जो ओपन इंटरवल लेती हूँ ए के नेबरहुड्स टोटली जो इसमें कंटेन नहीं करता, ए के राइट साइड के पॉइंट इस सेट में नहीं आएंगे, इसलिए ये अपने ए पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। और अगर एक भी पॉइंट का नेबरहुड सेट नहीं है उसको हम ओपन सेट नहीं बोल सकते। ओके, ओपन सेट क्या होता है, जो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। सिमिलरली हम यहाँ पर बता सकते हैं बी इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट ओपन सेट, और अगर दोनों ओपन सेट नहीं है तो यूनियन भी ओपन सेट नहीं होगी, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन। और अगर कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट क्लोज्ड, ए जो है वो क्लोज सेट नहीं होगी। और अगर ए क्लोज नहीं है, बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए इज यानी कि ओपन इंटरवल, ए क्या है ओपन इंटरवल इज नॉट कॉम्पैक्ट, ओपन इंटरवल कभी भी कॉम्पैक्ट सेट नहीं होते। ओके, इसी तरह आप बता सकते हो सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड ए बी, ठीक है, एंड ए क्लोज्ड ब्रैकेट और बी पे ओपन अगर लगा देंगे तो ये भी हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट नहीं होते हैं, केवल क्लोज सेट जो होता है वही कॉम्पैक्ट सेट होता है। ओके, ये आप प्रूव कीजिएगा कि जो सेमी क्लोज इंटरवल है ये कॉम्पैक्ट सेट क्यों नहीं है, जैसे हमने ओपन के लिए प्रूव किया है आज भी आपको इसके लिए प्रूव करना है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है कॉम्पैक्ट सेट के, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, यानी कि अगर आप यूनियन करते हो कॉम्पैक्ट सेट की कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर्स की, ठीक है, यानी कि हमने 10 कॉम्पैक्ट सेट लिए उनकी आप यूनियन करेंगे वो भी कॉम्पैक्ट सेट ही आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्यों लिए गए हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट होता है बाउंडेड एंड क्लोज, और क्लोज जो सेट होते हैं उनमें हम ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि अगर आप यूनियन करोगे फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की तो सभी क्लोज सेट्स की यूनियन क्लोज होती है, एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, ये रिजल्ट यहाँ पे भी अप्लाई होंगे क्योंकि इसमें क्लोज सेट हमें प्रूव करना है, इसलिए क्लोज के ही रिजल्ट आपको याद रखने हैं। सो फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट अगर उनकी यूनियन करते हो वो भी रिजल्ट कॉम्पैक्ट ही आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ यानी कि आर्बिट्रेरी फैमिली, कितने भी सेट आप ले सकते हैं अगर आप उनके इंटरसेक्शन करते हो वो भी हमारे पास कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन जो एट रिजल्ट, सेट आर इज नॉट ए कॉम्पैक्ट एज आर इज नॉट बाउंडेड। अब हमने ये पढ़ा है कि कॉम्पैक्ट सेट प्रूव करने के लिए, कॉम्पैक्ट सेट के लिए आपको प्रूव करना होता है बाउंडेड
एंड क्लोज। और अगर एक भी प्रॉपर्टी इन दोनों में से ना हो सो हम सेट को कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करती हूँ तो रियल नंबर्स हमारे पास क्लोज होते हैं लेकिन बाउंडेड नहीं होते, है ना, क्योंकि माइनस रियल लाइन जो होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये भी जो क्या नहीं रहेगा, इज नॉट कॉम्पैक्ट सेट। ये भी कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड। बाउंडेड नहीं होते हैं लेकिन क्लोज होते हैं, बट क्लोज पर एक भी नहीं है तो आप हम ये इसको कॉम्पैक्ट नहीं कह सकते हैं। क्लोज क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ओके, अगर नेक्स्ट हम देखें इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं पहले, सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि ये भी अनबाउंडेड होते हैं। ओके, दीज आर ऑल्सो नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। ओके, इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें या इरैशनल नंबर भी ले लीजिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये भी कॉम्पैक्ट सेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये क्लोज्ड है ना ही ये बाउंडेड पॉइंट। ओके, इसी तरह से सेट ऑफ इरैशनल आप बता सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आपको ये बताना है कि ये प्रूव करने भी आ जाते हैं कि ये आपके पास कॉम्पैक्ट सेट है या नहीं है। ओपन सेट, क्लोज सेट, सेमी क्लोज सेट और जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल इंटीजर जो भी हैं, सो इनका जो प्रूफ है ये भी आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल आ जाता है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो आज हम इस क्लास में केवल कॉम्पैक्ट सेट का ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस, जो हमारी बुक का नेम है सीक्वेंस एंड सीक्वेंस। ओके, सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।